हाँ जी बेटा, तो इन दिस चैप्टर रियल नंबर, फर्स्टली तो बेटा आप लोगों को रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी कि जब आप बहुत छोटे होते हो तो आपको पेरेंट्स सबसे पहले क्या सिखाते हैं, कौन सा नंबर सिस्टम सिखाते हैं, जब आप नर्सरी, अभी नर्सरी से भी पहले, प्री नर्सरी में या कुछ में, कैन एनीबडी टेल मी कि आप क्या, आपको नेचुरल नंबर, एक एक बच्चा ऐसे नहीं करेगा ना। हाँ जी प्रिंसी, यस बेटा, नेशनल नंबर, विच नंबर, हाँ, यस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। आपको काउंटिंग सिखाई जाती है ना, आप बहुत छोटी क्लास में होते हो, छोटी क्लास में भी क्या, अभी आप 1 ईयर या 2 ईयर के होते हो तो मम्मा पूछते हैं बेटा 1 चीजी लेनी है, 2 चीजी लेनी है, 3। कभी मम्मा ने पूछा बेटा 0 चीजी लेनी है, नेवर आस्क, है ना। तो वो कभी भी नहीं पूछते हैं, कभी भी नहीं कहते हैं कि आपसे जीरो जीरो, आपको कभी नहीं सिखाया जाता है। आपको काउंटिंग में सबसे पहले आपको वन से सिखाया जाता है, तो दैट मीन वो 1 2 3 4 सो ऑन, है ना। हाँ जी दिव्यांश, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी दिव्यांश, दिव्यांश बेटा, हाँ जी बेटा, बेटा ओके। हाँ जी, तो काउंटिंग नंबर्स मीन्स हम सबसे पहले, हमारा जो बेस है ना बेटा, वो नेचुरल नंबर पर जो है वो सेट होता है। बेस किस पे है? नेचुरल नंबर पे। जैसे ही आप थोड़े से बड़े हुए ना, तो आप कहीं बाहर मम्मा लेके जाते हैं, आपको बोलना आता है, तो कोई आपको कहता है बेटा क्या लेना है, तो मम्मा ना घर से ही आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि क्या कहना सीखो, नो कोई चीज नहीं लेनी। कहते हैं कि नहीं, मम्मा कहते हैं मेरी इंसल्ट नहीं करानी बाहर जाके, कोई पूछे कितनी चॉकलेट्स लेनी है, नो मैंने नहीं लेनी। नो, नो मींस क्या, जीरो ऐड हो गया, हुआ ना जीरो ऐड, तो दैट मींस अब नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 सो ऑन था, तो इसके साथ जब मेरे पास जीरो ऐड हो गया मींस जीरो नेचुरल नंबर तो है ही है इस राउंड में, देखिए तो प्लस ये जो है नेचुरल नंबर आ गए, तो मेरे पास ये क्या बन गया, होल नंबर बन गया ना, यानी जीरो फिर 1 2 3 4 सो ऑन होल नंबर। अच्छा, जैसे ही होल नंबर भी आ गया, आप जीरो से उधर 1 2 3 गए, है ना, आप में एक अपोज करने की पावर आ जाती है। अब जैसे जैसे बड़े होते हो ना, अगर मम्मा कहेंगे 1 चीज़ी लोगे, आप कहोगे नो मैंने तो 2 लेनी है ना, मैंने ये नहीं मैंने वो लेनी है, मीन्स एक नेगेटिव बीच में आ जाता है ना। अगर मम्मा 1 कह रहे हैं तुम कहते हो नहीं, मम्मा अगर 2 कहेंगे तुम कहोगे मुझे 1 ले दो, मुझे दूसरी 1 ले दो, मुझे ये एरोप्लेन ले दो, मुझे ये चीज ले दो, मुझे बाइक ले दो। जैसे जैसे बड़े होते हो ना, ट्वाय की बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मतलब एक अपोजिंग आ जाती है। तो मीन्स कि होल नंबर के साथ में जब मेरे पास -1 -2 -3 सो ऑन ये भी चीजें आ जाती हैं, तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स दैट आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके जी, होल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट हुए है ना, और इधर से -1 -2 -3 सो ऑन, ये सारी चीजें भी आ गई, तो दीज आर कॉल्ड इंटीजर। अब हर बार हम पूरा पूरा कंप्लीट थोड़ा डिवाइड करते हैं, इंटीजर्स के बाद बेटा हमारे पास जो हम स्टडी करते हैं ना, वो एक नंबर आते हैं, फ्रैक्शन टाइप नंबर। वो फ्रैक्शन टाइप नंबर कैसे, अब घर में पिज्जा आया तो मम्मा कहेंगे बेटा इक्वली डिवाइड कर लो, न्यूडल की प्लेट आई बेटा इक्वली डिवाइड कर लो, तो यानी हमारे पास एक फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया। अगर 4 बंदे हैं तो 1 2 4, 1/4, 1/4, 1/4 हम वो चीजें डिवाइड करते करते हैं ना, तो मेरे पास जो है 1/4, 1/4 आना, तो वो क्या है, वो आपको लोअर क्लासेस में हम बोलते हैं इट्स अ फ्रैक्शन, बट वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरे पास जो नंबर्स है ना, वो फ्रैक्शन टाइप नंबर्स को हम नाम दे देते हैं रैशनल नंबर्स बेटा। जो हमने ये 9th में स्टडी किया, अब जो रैशनल नंबर है, कोई मुझे डेफिनेशन बता सकते हैं कौन क्या है,
सक्षम बता सकते हो, सक्षम ग्रोवर, सक्षम सक्षम नंबर इज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड वेयर क्यू p and q both are co-prime numbers and q do not belong to zero. Do not belongs to नहीं, q is not equal to zero. है ना, zero except नहीं है ना, तो हम word belong नहीं लिख सकते section. Very good definition, है ना, very good. कि हम क्या कहेंगे कि rational number जो है वो मेरे पास p by q form में होते हैं, where जो है q not equal to zero and p and q belongs to integers. And very important, एक जो standard rational number होता है ना बेटा, तो उसमें p and q co-prime होते हैं. ये बहुत important है. Co-prime मतलब कि उनमें cutting नहीं कोई होनी चाहिए. मतलब जैसे 4 by 8 है तो उसको मैं 1 by 2 लिखूं. That's why हम ये लिखते हैं कि p and q आर co-prime. Co-prime means उनका जो है कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो. ओके बेटा, क्लियर, क्लियर टू एवरीवन? आप थम्स अप कर सकते हो, मुझे पता चले मेरे बच्चे सुन रहे हैं, दे आर एक्टिव इन द क्लास, है ना, इधर उधर ध्यान देने की बजाय, सो दैट आई कैन कम टू नो हूएवर इज गिविंग मी द आंसर, वो तो एक्टिव है ही है, बाकी कितने का बच्चे एक्टिव है. ओके क्लियर, चलो गुड 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 गुड. अब बेटा ये मेरे पास रैशनल नंबर क्यू है. अच्छा कोई बता सकते हैं क्यू पे कंडीशन क्यू लगाई है? हाँ जी परमवीर, परमवीर बता सकते हो कि क्यू जीरो क्यू नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर में? व्हाई क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो? हाँ जी चलो परमवीर, हाँ जी बेटा बताइए क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं पता, देखो आपने पूछा नहीं ना बेटा, ये तो चीज है जो छोटी छोटी बातें हम लिख रहे हैं. ओके प्रिंसी बताइए बेटा. मैम बिकॉज़ एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड. वेरी गुड वेरी गुड. बेटा ये जो छोटी छोटी बातें मैं बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं पता चली, आपके दिमाग में उसी टाइम स्ट्राइक करना चाहिए. परमवीर आई एम नॉट पॉइंटिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू, टेलिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट, If anything is not clear, please ask me, बेटा, है ना, तभी हम कहीं पे स्टैंड करेंगे. तो यहाँ पर क्योंकि अगर q zero हो जाता है तो anything divided by zero that is not defined. Okay, परमवीर, very good. तो यहाँ पर मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरे पास जो है रैशनल नंबर आ गए. अब बेटा रैशनल के साथ जरूरी तो नहीं है, और रैशनल नंबर मेरे पास जो है आगे बहुत तरह के, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बहुत टाइप का मेरे पास वो चलेगा. लेकिन हर बार हर नंबर रैशनल नंबर नहीं होता, है ना, देयर आर सम नंबर्स जो अंडर रूट के बीच में आते हैं, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4. तो मतलब रैशनल नंबर को हमने जब फर्दर रैशनल नंबर के साथ एक नंबर इरैशनल ना ऐड किए, ये नाइन्थ में आप कर चुके हो, तो इस पूरे कंबाइन सेट को हम पता क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं. इरैशनल कौन से हो गए? मेरे पास जो है रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ऐसे. रूट 4 नहीं ले सकती मैं, रूट 4 जो है वो रैशनल में ही आ गए. आपको पता है हर नंबर को मैं रैशनल नंबर की तरह लिख सकती हूँ. जैसे 2 है, 2 देखा जाए तो एक नेचुरल नंबर है, अगर स्मॉलेस्ट सेट में जाऊं तो मैं इसको रैशनल नंबर कैसे बना सकती हूँ? 2 by 1, इट इज रैशनल नंबर ना, p ओवर q फॉर्म, ठीक है ना मेरा बेटा. ईच एंड एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ नेचुरल, सॉरी रैशनल नंबर. ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया कि हमने रियल नंबर्स कैसे पढ़े, हम छोटे होते से नेचुरल नंबर पढ़े, फिर हम बड़ी क्लास में आए तो होल नंबर आ गया, होल नंबर से इंटीजर में, इंटीजर से मेरे पास रैशनल, रैशनल से इरैशनल, और इरैशनल से जो बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो रियल नंबर है. जब आप +1 में चल जाओगे ना नेक्स्ट ईयर, आप तब हमारे से पढ़ोगे,
तो हम इससे भी एक बड़ा सेट, वो सबसे बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कब आते हैं, जैसे रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर ना हमने आपको नहीं पढ़ना सिखाया अभी तक, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, तो वो रियल से भी आगे सेट चल जाता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, दैट इज नॉट नाउ इन आवर सिलेबस, ठीक है ना। तो वो हम प्लस वन में पढ़ेंगे, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस चैप्टर एज अ रियल नंबर, बिकॉज हम जो भी कुछ डील करेंगे ना यहाँ पर वो रियल नंबर्स के साथ डील करेंगे, उसमें ये सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ आवर द फर्स्ट टॉपिक, है ना। ये मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स हमारे पास जो है दैट इज यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, बहुत ही इजी, बहुत हेल्पफुल हमारी लाइफ में ये है इसको स्टडी करने के लिए जो है, क्यों, क्योंकि जितनी ही हमारी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स, कोई लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए, कोई ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए वो जितनी भी स्टडी करते हैं, वो हम किससे स्टडी करते हैं, हम यूक्लिडियन डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, है ना। लेमा और एल्गोरिथम में पहले फर्क पता होना चाहिए। लेमा एक ही स्टेप का कॉन्सेप्ट है, एल्गोरिथम आपने कंप्यूटर में किया हुआ है ना, लूप बार 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 वो चलता जाता है, कॉन्सेप्ट वही लेमा यूज होता है, लेकिन रेपिटिशन होती रहती है हर स्टेप में, जब तक वो यूज नहीं होता तो उसे हम कहते हैं यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, फर्क कोई नहीं। तो हम सबसे पहले लेमा पढ़ेंगे, आपको इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए, वन नंबर में आ सकती है, दैट इज थ्योरम 1.1 यूक्लिडियन या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ओके जी। What does this lemma says? मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बेसिकली कुछ नया नहीं है आपके लिए, जो आप थर्ड फोर्थ से डिवीजन करते आ रहे हो ना, जो हम वेरीफाई करते थे उसी को एक नाम दे दिया हमने, तब हम नाम नहीं बताते थे कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं थर्ड फोर्थ में, डर ना जाए, अब बड़े हो गए हैं तो अब हमने इस लेमा को नाम स्पेसिफाई कर दिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वो क्या कहता है कि अगर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट, बेटा ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का, दिस इज कॉल्ड देयर एग्जिस्ट यूनिक जो है इंटीजर Q and R satisfying A is equal to B Q plus R such that, बेटा जो बहुत important बात है, R जो है ना, R क्या है, remainder, R is always greater than equal to zero, मतलब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं आता रिमाइंडर, आपको भी पता है, बट लेस देन बी, जिससे हम डिवाइड करते हैं ना, डिवाइजर जिसे हम कहते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, डिवाइजर, डिवाइजर से वैल्यू कम होनी चाहिए, नहीं तो हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं। हम लोअर क्लासेस में भी आपको यही समझाते थे ना कि बेटा तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ना जाए, तो वो यही कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, इसके बिना तो बेटा चलता ही नहीं है हमारा, ओके जी। अब इसको हम यूज करेंगे बेटा, इस लेमा को हम एचसीएफ कैलकुलेट करने में यूज करेंगे, कैसे, मैं आपको मतलब ये एप्लीकेशन बता रही हूँ यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम लेमा से कोई डिफरेंट नहीं है, लेमा में हम एक ही स्टेप में आपको डिवाइड करके बता रहे हैं ना, अगर जब एल्गोरिथम इज बार बार ऐसा ही कॉन्सेप्ट,
हर स्टेप को ऐसे लिखना। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेके भी आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 25 है, उसको 2 से डिवाइड किया, ओके, 1, देन 5, 4, 12, ये 1, मैं कैसे लिखूंगी बेटा, बता सकते है कोई बच्चा? हाउ कैन आई राइट दिस इन दिस फॉर्म? एनीबडी फ्रॉम यू जस्ट रेज योर हैंड। ओके जैसनूर, यस बेटा, यस जैसनूर मैम, 12 × 2 + 1। वेरी गुड, पहले ए लिखते हैं ना, तो ए मेरे पास क्या है, 25, तो दैट मींस 25 कैन बी रिटन एज जो है मेरे पास 12 × 2 + 1, ये ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। जब हम, आपको याद हो छोटी क्लासेस में एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन वाला करते थे, हम बार 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 उसको यूज करते थे। यस दिव्यांश, एनी प्रॉब्लम बेटा? दिव्यांश रोल नंबर 10, यू हैव रेज हैंड। वो आंसर देने के लिए डाउन कर लिया करो जब बात हो जाती है ना, तो सो दैट कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके चलिए, तो बेटा आपको याद हो हम छोटी क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ निकालते थे, तो वो स्टेप बार 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 हम क्या करते हैं, वहां रिपीट करते हैं ना, मतलब एल्गोरिथम यूज करते हैं इसकी। सिर्फ यही लेमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस है, ठीक है? अब मैं एप्लीकेशन बता रही हूँ आप लोगों को इसकी, कि एप्लीकेशन हमारे पास जो है कैसे है, दैट इज यू जस्ट राइट ए नोट, राइट डाउन नोट, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एचसीएफ, टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ। बेटा अभी जाने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट अभी पड़े होते हैं, हमें भी पता है, इधर बेल होगी उसके बाद 5 मिनट्स होते हैं,